नमस्ते बाबा जी। नमस्ते। तो बाबा जी, आध्यात्मिक नजरिए से ब्रह्म मुहूर्त का कुछ इम्पोर्टेंस बताइए। देखिए, वैसे तो मुसलमानी में अलग टाइम दिया है जी, और हिंदुवानी में अलग टाइम दिया है। तो जो हिंदू की बात है, हमारे धर्म की बात है, तो वो 4 बजे सुबह से लेकर के 5:30 बजे तक बढ़िया रहता है, 1.5 घंटा। उस समय आदमी को जो भी काम करता है वो शुभ होता है। जो भी काम, चाहे भजन करेगा, चाहे कोई ध्यान करेगा, पूजन करेगा, उस समय उसका ध्यान बढ़िया लगेगा और सारा दिन बिल्कुल दिमाग फ्रेश रहेगा। अच्छा, फिर बाबा जी, मैंने सुना है और एक बात सुनिए सुनिए अगर उस टाइम उठ करके 4 बजे 4:30 बजे लम लम का जाप करता है तो समझ ले वो कुछ ही दिनों में उसका भाग्य बदल जाएगा। अच्छा। लम 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 मतलब जो है, ये शब्द है पृथ्वी का बीज मंत्र है जी। इसको सभी लोग जानते हैं, जितने ज्ञानी लोग सब जानते हैं, लेकिन कोई उनका वीडियो देखता है, कोई नहीं देखता है, हमारा देखता है, इसलिए बता रहा हूँ। तो लम का ध्यान करो और 4 बजे उठो या 4:30 बजे उठो। अरे मुंह नहीं धोना है, कुछ नहीं करना है, स्नान वनान नहीं करना है, खाली उठ के बैठ जाओ, आँखें मीच के बढ़ोल। अच्छा बाबा जी, तो मैंने सुना था और लगभग सभी लोग शायद जानते हैं कि ये जो ब्रह्म मुहूर्त का काल है, तो इस काल में एक अलग तरीके का ब्रह्मांड की जो शक्ति होती है वो आती है। हाँ, ऊर्जा तो, आती है। हाँ, इसलिए तो कहा गया है, जो हमें ऋषि मुनि रहे हैं, जो अनुभव किया है, तो वो गलत थोड़ा है। तो उसे बाबा जी, उस जो इम्पोर्टेंस है उस टाइम का, उसे हमें पाने के लिए उस समय क्या करना चाहिए? मतलब बता तो दिया है, कुछ नहीं करना है। हाँ। लम लम का जाप करना है। हाँ। ज्यादा नहीं, 1 महीना करे। हाँ। खुद को अनुभव ले कि हमारे में क्या पावर आया है। अच्छा। एक चीज में बीमारी दूर होती है, पहला काम जी, शरीर में कोई बीमारी होगी नहीं रहेगी, सब खत्म बीमारी। हाँ। कोई करके देखो। अच्छा। दुश्मन नहीं रहेंगे इसमें, और पैसा की कमी नहीं रहेगी। अच्छा। जब ये लम ज्यादा नहीं, 1 महीना 2 महीने में सिद्ध हो जाता है, बड़ा समय नहीं लगता है, लेकिन टाइम वही है। हाँ। वही टाइम अच्छा है, वही टाइम बढ़िया है। हाँ। और ये लम जो जाप करना है, इसमें तो कोई आसन की जरूरत नहीं है? आसन नहीं है, अरे उसमें आगे आगे करो भैया, कुछ नहीं होगा, वो तो ऐसी क्रिया है, वो तो उसको वो पृथ्वी का बीज मंत्र है। पृथ्वी बाद में हल्का है, मोटा है, सब कुछ तो करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लम ऐसी चीज है कि तुम स्नान करो चाहे ना करो, मुंह धो चाहे ना धो। अच्छा। खाली ध्यान लगाओ, क्योंकि वो गुदा और पेशाब में जो बीच में जगह होती है जी। उसमें 4 कोने का यंत्र बना है, हर आदमी के है, पंखुड़ी टाइप का है वो, ना ना पूरा लाल है, ना पूरा पीला है, नारंगी समझो जी। उसके बीच में गणेश और काली का वास है जी। तो दुनिया में जो ही देवता ऐसे हैं जो बड़े प्रचंड हैं, तो हमारे विशेष शास्त्रों में लिखा है जी। कि भगवान हमारे भीतर है, तो बात सही है, लेकिन लोग पहचानता नहीं ना, इसलिए जो है। अच्छा। लम लम इस तरह मान लीजिए हमारी क्रिया से 100 में का 10 का लाभ हो गया, तो हमारा धर्म होगा जी। ये बात है। और फिर ऐसी क्रिया है कि चाहे चोर हो, चाहे डकैत हो, चाहे साधु हो, सब कोई कर सकता है, और आदर्श सुधारने के ये बहुत अच्छा तरीका है। स्वास्थ्य अच्छा करना है, दुश्मन विजय प्राप्त करना है, बढ़िया साधन है। अच्छा। कहीं बैठे हो, मुंह धोए न धोए, स्नान करो न करो जी। इस क्योंकि पृथ्वी में आप टट्टी भी कर रहे हैं, पेशाब भी कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से उसे कोई अशुद्ध नहीं है पृथ्वी रह करके, उसका एक मतलब ये होता है, जितना ज्यादा जाप करती है कहा जाता है, उतने ज्यादा अपने शरीर में एक ऐसा तेज आता है, खुद मालूम होता है करने वाले को। अच्छा, मतलब इस जाप की कोई संख्या नहीं है? नहीं नहीं, नहीं कोई संख्या नहीं। अच्छा, जितनी बार चाहे हम लोग। हाँ, बेसंख्या।
आप करके देखो, आप जो कैमरा चलाता है ना, तो उसमें कितना ज्यादा बुद्धि पॉइंट आ जाएगा, नहीं बुद्धि पिखर हो जाएगी, इसमें बहुत बड़ा गुण है। अच्छा बाबा, ये जो लम का जाप है, ये तो अगर स्टूडेंट्स करें तो उन लोगों को तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। उसको ज्यादा लाभ है उनको। अरे हम क्या बताएं, हम जिस बच्चे को क्रिया सिखाया है, थोड़ी क्रिया है, आज तक वो दो नंबर में नहीं हुए। अच्छा। फर्स्ट चल रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अच्छा। आजकल तो ऑफिसर बन गए हैं वो लोग। अच्छा। लेकिन हाँ, लम जो शब्द है ये पृथ्वी का बीज मंत्र है जी। यम रम लम वम हम, यम माने वायु, रम माने अग्नि, यम रम लम, लम माने पृथ्वी, यम रम लम वम, वम माने पानी। अच्छा। और हम माने होता है आकाश। अच्छा। यम रम लम वम हम, तो ये लम शब्द है। अच्छा। पांच में एक तत्व है ये। एक तत्व अगर आप साध लोगे तो तुमको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर अन्याय में चला तो, अगर अन्याय में चलता है तो जितना काम है उतना चला जाएगा। अच्छा।